मैं हूं आसिफ जाफरी और आप देख रहे हैं ऑन द गो विद जाफरी। ऑन द गो विद जाफरी। ऑन द गो विद जाफरी। मैं मौजूद हूं आज यूरोप के वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली सिटीज डबलिन में। दोस्तों मैं मौजूद हूं काउंटी डबलिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में। मैं भी आपको एक ट्रेन का सफ़र करा रहा हूं, जो कि ट्रेन है काउंटी डबलिन बालब्रिगन से हम कॉनली स्टेशन डबलिन सिटी सेंटर जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सफ़र है। इस सफ़र की ख़ास बात है कि ये बहुत टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये जो एक ट्रेन ट्रैक जो डला हुआ है वो बिल्कुल समंदर के साथ साथ जा रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। और मेरे साथ जो आज स्पेशल मेरे दोस्त हैं ना, वो मुझे आज गाइड कर रहे हैं डबलिन सिटी सेंटर में, वो हैं वन एंड ओनली मिस्टर शेरी सोमरो। ये है शेरी। शेरी आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं डबलिन सिटी सेंटर। सिटी सेंटर में हम कहाँ जाएंगे? सिटी सेंटर में जहाँ जहाँ जो अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी हम उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा प्लान ये है कि हम सिटी सेंटर जाएंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं जो भी उधर टूरिस्ट अट्रैक्शन है डबलिन, जिस वजह से मशहूर है पूरे यूरोप पूरे दुनिया के अंदर, हम वो सारी जगह देखेंगे, बेहतरीन जगह, और इस सफ़र को बड़ा दिलचस्प बनाएंगे। ओके गाइस, स्टे विद अस। दोस्तों हमने पास लिए हैं बालब्रिगन नॉर्थ काउंटी डबलिन से ट्रेन के, जो कि हमको 6:50 का कार्ड मिला है। रिटर्न नहीं है ये वन साइड है, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी महंगी है, लेकिन डबलिन सिटी सेंटर में वो थोड़ी सी इजी है, क्योंकि वहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं, बसेज हैं, ट्राम्स हैं, और ई स्कूटर्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी ट्रेन आ रही है। बालब्रिगन काउंटी डबलिन से हमने ट्रेन ली है और हम जा रहे हैं डबलिन सिटी सेंटर कॉनली स्टेशन। मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत खूबसूरत एक सफ़र है, जो कि बेहतरीन कुदरती नज़ारों से भरपूर है। और ख़ास तौर पे आज जो मेरे साथ मेरे जो दोस्त शेरी सोमरो, शेरी यार सोमरो इनका नाम है, हम इनको प्यार में शेरी बोलते हैं। शेरी कैड़ा वाला ही खुश चंगो भलो? ठीक तमाम बुधायो सब मज़े में तबियत की अल्हम्दुलिल्लाह। शेरी थैंक यू वेरी मच, आज तुम मेरे साथ आए हो यार, बड़ा मज़ा आएगा और मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। ये हम ब्लॉग करने जा रहे हैं डबलिन की। आइलैंड की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर नेचर बहुत ज़्यादा है, तो आप एक साइड पे तो कोस्ट आ गया, साहिल समंदर हो गया, और दूसरी साइड पे हरियाली होती है,
इधर बारिश, मौसम यहाँ का ठंडा है, अभी भी यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड है काफ़ी, जब भी मैंने इतनी सारी चीज़ें पहनी हुई हैं। आपकी आँखें जो हैं वो इस खूबसूरती को देख के दंग रह जाती हैं। जो कुदरती नज़ारे हैं, ख़ासतौर पर जो नेचर है यहाँ पर, इन्होंने अपने नेचर को बहुत संभाल के रखा हुआ। यहाँ कोई हाई राइजिंग या स्काई लाइंस नहीं है आइलैंड में, सिर्फ डबलिन में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ें यहाँ के कैसल, यहाँ के चर्चेस, यहाँ की जो नेचर है, जो इन्होंने अपने सालों से अपनी हेरिटेज को संभाल के रखा हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो अब स्टेशन आ रहा है, इसका नाम है माला हाइट में माला हाइट कैसल बहुत मशहूर है, और माला हाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है माला हाइट क्रिकेट स्टेडियम है। माला हाइट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल स्टेडियम है, जहाँ पे मेरे ख्याल में 2 साल पहले पाकिस्तानी टीम भी आई है, और जो भी बाहर से जो इंटरनेशनल टीम्स आती हैं क्रिकेट की, तो माला हाइट स्टेडियम में ही मैच होते हैं। जी हम पहुंच चुके हैं कॉनली स्टेशन। कॉनली स्टेशन से बाहर उतरते हैं और फिर आपको लेके जाता हूं सिटी सेंटर। कॉनली स्टेशन से हम जाएंगे डबलिन सिटी सेंटर। आए मेरे साथ। ये लोकली ट्राम्स यहाँ पे चलती हैं, ट्राम्स भी आप ले सकते हैं, जो लोकल सिटी सेंटर के अंदर आप ट्राम यूज़ करते हैं या बसेस यूज़ करते हैं। ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये है मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट, यानी इसको बोलते हैं डबलिन स्पायर। डबलिन स्पायर जो है 2003 में यहाँ पे लगाया गया, 2003 में, और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और इसकी खास बात ये है कि इसको लगाने में 4 मिलियन यूरो की लागत आई है। ओ कॉर्नल स्ट्रीट जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये बहुत मशहूर है। यहाँ पर सेंट पैट्रिक्स डे पे जो सबसे बड़ी आइलैंड की परेड होती है, वो यहीं पर होती है, और बहुत मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट है जिसका नाम है हेनरी स्ट्रीट। और क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, तो यहाँ पे और ज़्यादा जो है चहल पहल है, तो देखते आए। हैप्पी क्रिसमस एवरीवन। दोस्तों हम आए हेनरी स्ट्रीट पे। हेनरी स्ट्रीट यहाँ की पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, यहाँ पर सिर्फ पैदल चलने वाले जा सकते हैं, इधर कोई ट्रैफिक नहीं जा सकती है, और ये बहुत मशहूर है अपने शॉपिंग की वजह से। इधर 2 शॉपिंग सेंटर हैं, एक जर्विस शॉपिंग सेंटर और एक है आईलेक शॉपिंग सेंटर। चलिए ज़रा इस स्ट्रीट का जायज़ा लेते हैं, आ जाए। देखिए आप कहाँ तक जो है वो लाइटिंग हुई हुई है यहाँ पर, खूबसूरत सामान।
पानल स्क्वायर पे मैं मौजूद हूँ और ये है गार्डन ऑफ रिमेम्बरेंस। आए अंदर चलते हैं। ये आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, मेरे पीछे जो है ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये है आयरिश लैंग्वेज, यानी कि गेलिक भी बोलते हैं इसको। ये आयरलैंड में अब इतनी नहीं बोली जाती बल्कि ना होने के बराबर है, लेकिन कुछ काउंटीज़ में अभी भी आयरलैंड में ये बोली जाती है। लाइक कुछ पार्ट हैं काउंटी कॉर्क के या डोनीगाल के, उधर अभी भी ये ज़ुबान बोली जाती है, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की। यहाँ पर आप जो साइंस देखेंगे रोड पर वो तकरीबन वो ये होता है कि इंग्लिश में भी हैं और नीचे आयरिश में भी लिखे होते हैं इसके साइन बोर्ड मोटरवे पे और सब जगह पे। तो ये है, और मज़े की बात ये कि थोड़ा सा इसको डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप इंग्लिश में आप लिखेंगे शिवान, तो आप शिवान लिखेंगे SHEWAN, इस टाइप की स्पेलिंग। यहाँ पर शिवान लिखना है मिसाल के तौर पर आपको आयरिश में, तो आपको लिखना पड़ेगा SIOBHAN और वो बनता है शिवान। शिवान नहीं बनेगा वो, शिवान शिवान बनेगा। ये बिल्कुल मैं खड़ा हुआ हूँ ओ'कॉनल स्ट्रीट के बिल्कुल मुंह पे। ओ'कॉनल स्ट्रीट यहाँ से स्टार्ट होती है। ये ओ'कॉनल स्टैचू बना हुआ है। 1.2 मिलियन की डबलिन की आबादी है। इधर लास्ट 2019 में 11 मिलियन टूरिस्ट आया है, 11 मिलियन टूरिस्ट आया है। तो इन्होंने इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ओ'कॉनल जो है वो डबलिन 1 का एरिया है, और ये जैसे ही हम ये रोड क्रॉस करेंगे तो हम डबलिन 4 में पहुंच जाएंगे। तो उस जगह पे स्टीवेंस ग्रीन, यहाँ का मशहूर और मारूफ टेंपल बार और स्टीवेंस ग्रीन पार्क और बहुत सारे म्यूज़ियम भी हैं वहाँ पर। और एक जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है ट्रिनिटी कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज बहुत ज़बरदस्त जगह, मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, आ जाए मेरे साथ। जी मेरे पीछे आप देखें, ये है ट्रिनिटी कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज जो है यहाँ का मशहूर और मारूफ कॉलेज है। यहाँ पे बुक ऑफ केल्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत खूबसूरत और नंबर 1 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है। और इधर जो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस टाइम इधर जा नहीं सकते हैं। देखें इसका गेट बंद है। दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस टाइम डैम स्ट्रीट पर। डैम स्ट्रीट की ख़ास बात यह कि डैम स्ट्रीट पे जो है डबलिन कैसल है। ये है डबलिन कैसल, हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये सारे आयरिश ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आयरिश म्यूजिक पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है, एक फ्लूट, एक बांसुरी यहाँ की, और ये जो है केल्टिक हर्ब। ये एक पुराने ज़माने में आपने शायद आपने देखा हो कि लोग पुराने ज़माने में जो लोग बजाया करते थे, इसको बजाने का भी एक अलग स्टाइल होता है, बहुत खूबसूरत साउंड देता है। इधर भी देखते हैं, चाहिए गिटार की तरह इसके बटन्स हैं और इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं ये आप इधर से सेटअप कर सकते हैं। पीछे इसका पूरा सेटअप दिया हुआ है, ये पीछे इसका पूरा सेटअप है। तो मुझे तो गिटार बजाना आता नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों को आता है ये केल्टिक हार्प,
ये आइलैंड का ऑफिशियल लोगो भी है, जो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उस पर आप अक्सर बेशतर ये सेल्टिक हार्प देखेंगे। इधर इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, और ये वायलिन, वायलिन कितने खूबसूरत खूबसूरत हैं। देखिए क्या क्या कीमत है इनकी, 98 यूरो का मशहूर है, 129। अगेन यहाँ पे भी आपने अगर साइकिल वगैरह किराए पे लेनी है तो आप यहाँ से ऐप डाउनलोड करें और साइकिल यहाँ से लें और मज़े से चलाएं। आज जो है तकरीबन 3-4 डिग्री टेम्परेचर है, सर्दी है यहाँ पे काफ़ी। शाम जो है वो जल्दी हो जाती है, तकरीबन 4-5 बजे जो है वो शाम रात हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो ये है कि मेरा जो अभी तक का जो हमने सफ़र किया पैदल पैदल, वो मैं ये चाह रहा था कि आपको यहाँ की क्रिसमस लाइटिंग दिखाऊं। जो लाइटिंग है यहाँ पर, जो इन्होंने पूरे शहर को सजाया हुआ है, डबलिन सिटी सेंटर को, वो देखने वाली चीज़ है, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो स्ट्रीट्स हैं, ज़ाहिर है स्ट्रीट्स और रोड जो हैं वो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता। अभी भी लाइट्स वगैरह ऑन है, कुछ लाइट्स वगैरह ऑन है, लेकिन ज़ाहिर है जब डार्क होगी तो वो लाइट एक्सपोज होंगी, वो ज़्यादा दिखाई देंगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होगा देखने वाला। दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ का मशहूर और मारूफ सेंट स्टीवेंस ग्रीन शॉपिंग सेंटर और सेंट स्टीवेंस ग्रीन पार्क और सेंट स्टीवेंस ग्रीन स्ट्रीट। आ जाए मेरे साथ। पूरा सिटी है, अभी जैसे जैसे रात होती जा रही है तो रोशन हो जाता है। तो आपने देखा ये है स्टीवेंस ग्रीन पार्क। स्टीवेंस ग्रीन पार्क बिल्कुल सिटी सेंटर के सेंटर में वाकया है, और ये देखें पीछे ये सिटी सेंटर है स्टीवेंस ग्रीन, और ये स्टीवेंस ग्रीन पब्लिक पार्क है। तो यहाँ पर आके आप चिल आउट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत रिलैक्स इधर का इन्वायरमेंट है। बहुत लोग वॉक कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, सुकून से मज़े से बैठे हुए लोग। दोस्तों यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, अभी बहुत अच्छा मौसम चल रहा था, एकदम से बारिश शुरू हुई है। तो अब हमें बहुत मुश्किल हो रही है, तो हमने क्या करना है कि थोड़ा सा आपको दिखा, थोड़ा सा हिसाब किताब ख़राब हो गया बारिश की वजह से, और अब हमको जो है यहाँ से भागना पड़ रहा है क्योंकि बारिश शुरू हो गई। बारिश थोड़ी तेज़ होती आ रही है, सर्दी तो ऑलरेडी थी लेकिन सुबह से बारिश नहीं थी, धूप निकली हुई थी, अच्छा मौसम था। जैसे हम आइलैंड का यही एक बात है आइलैंड की कि यहाँ पे आप मौसम का भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी आप वेदर का भरोसा कर ही सकते, कभी बारिश हो जाती है, कभी विंड हो जाती है, कभी बर्फ़ पड़ जाती है, कभी कुछ भी हो सकता है।
ये मैं बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ स्टीवंस ग्रीन शॉपिंग सेंटर के, और ये जो है यहाँ का आइकॉनिक शॉपिंग सेंटर है, बहुत मशहूर मारूफ शॉपिंग सेंटर जो कि सिटी सेंटर में वाकया है, स्टीवंस ग्रीन शॉपिंग सेंटर। चले अंदर चलते हैं। डबलिन आए और स्टीवंस ग्रीन शॉपिंग सेंटर ना आए, ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी, कि बहुत खूबसूरत है। लोग सिर्फ यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कभी तो शॉपिंग के लिए नहीं आया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो इसका आर्किटेक्ट है इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, देखें जैसे कोई पैलेस होता है, कोई बड़ा पैलेस है। शॉप्स वगैरह है यहाँ पर, देखें उस जगह पर शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स आ गई हैं यहाँ पर, और देखें सेकेंड फ्लोर पे शॉप हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, और ये एक बेस में बिल्कुल लॉबी है ऑल टाइप का बना हुआ है, और इधर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं। ये ख़ास तौर पे आप देखें ये जो है लगी हुई है, ये घड़ी है। जी दोस्तों, मैं मौजूद हूँ रिवर लीफी पे, ये डबलिन नॉर्थ डबलिन और साउथ डबलिन के बीच में से ये पूरा रिवर जा रहा है। एक ख़ास चीज़ आपको बता दूँ कि डबलिन पोर्ट उधर है, डबलिन नॉर्थ इधर है, और डबलिन साउथ इधर है, और ये बीच में सिटी सेंटर का एरिया है। डबलिन क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, थोड़ा महंगा है, यहाँ पे होटल्स वगैरह अगर आप टूरिज्म के लिए आएँ, इधर आप विज़िट करें और आपको होटल्स वगैरह चाहिए तो होटल्स यहाँ पे थोड़े महंगे होते हैं। booking.com और बहुत सारी साइट्स हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। कम से कम होटल यहाँ पे 50-60 यूरो, नॉर्मल 3-star 2-star होटल होते हैं। और डबलिन एयरपोर्ट जो है सिटी से कोई 30-35 मिनट्स की ड्राइव है, वहाँ से बस मिलती है, अगर आप आना चाहें तो बस से आ सकते हैं, वरना आप टैक्सी ले सकते हैं जो कि 35-40 यूरो चार्ज करेगी आपको, मे बी 30 यूरो चार्ज करेगी। आयरलैंड जो है वो शेंगेन कंट्री में नहीं आता है, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। आपके पास शेंगेन वीज़ा है और आप आयरलैंड आना चाहते हैं तो आपको आयरलैंड के लिए अलग वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। रिवर लिफी के साथ साथ चल रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मंदिर है, लाइटिंग क्रिसमस की वजह से पूरा सिटी जगमगा रहा है। इधर क्रिसमस बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है क्योंकि ये कैथलिक कंट्री है। आयरलैंड जो है वो उसका जो वजूद आया है वो एज अ कैथलिक कंट्री के तौर पे वजूद आया है इसका। इससे पहले जो था इधर बहुत सिविल वॉर, इससे पहले बहुत सारी लड़ाई राइट्स वगैरह हुई। मज़ीद मालूमात मैं आपको आयरलैंड की जब मैं ब्लॉग करूँगा मैं उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन यह है कि ये है सिटी। आयरलैंड के लोग बहुत अच्छे हैं, आयरलैंड के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ये यूरोप में मोस्ट फ्रेंडली सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक ख़ास बात है, इधर एक जादू है कि लोग यहाँ पे आते हैं तो इसकी तारीफ़ किए बगैर वापस नहीं जाते, ये ख़ास बात है आयरलैंड की और ख़ास तौर पे डबलिन की। मैंने आपको पहले ही बताया कि 11 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे लास्ट ईयर आया था, इस दफ़ा ज़ाहिर है कोरोना वायरस की वजह से लोग इतने नहीं आए यहाँ पर। आयरलैंड जो है वो यूरोप के अंदर 4th नंबर पर वेल्थी कंट्री के तौर पर जानी जाती है, यानी कि ये वेल्थी कंट्री है, ये अमीर मुल्क है। टोटल आयरलैंड की आबादी जो है वो
सिर्फ 5 मिलियन है, यानी कि 50 लाख लोगों का ये मुल्क है पूरा, जिसमें से 1.2 डबलिन में रहते हैं जहां मैं इस टाइम मौजूद हूं। डबलिन के लिए ख़ास तौर पे एक बात कही जाती है कि जब तक आप डबलिन नहीं आएंगे, जब तक आप आयरलैंड आएंगे नहीं, तो आप इसके बारे में जान नहीं सकते। तो आप सबको, जो भी पाकिस्तान इंडिया में लोग हैं वो मेरी व्लॉग देख रहे हैं, आप आयरलैंड आएँ, इधर का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। नेचर और इधर खूबसूरती डबलिन की बहुत मुख्तलिफ है यूरोपियन दूसरी। इधर कोई हाई राइजिंग नहीं है, इधर अभी ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ज़्यादा वो जो बिल्डिंग आप देखें वो मेरे ख़्याल में कोई 15 मंजिला इमारत होगी। वो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देखें वो कोई 10 मंजिला इमारत होगी। ये हाईएस्ट इधर की हाई राइजिंग है, इधर हाई राइजिंग है ही नहीं। खूबसूरती चेक करें, ये बहुत बड़ा एक ब्रिज है, सैमुअल बकेट ब्रिज, और ये इन्होंने बहुत खूबसूरत जो भी चीज़ इन्होंने लाइटिंग लगाई हुई, जिसमें इंसान डांस कर रहे हैं, देखें आप। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी और शहर में, किसी और मुल्क में, या फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, कोरोना वायरस है उसमें एहतियात करें, मास्क पहनें, सारे SOPs को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Keep watching On The Go with Jafri. Okay, khuda hafiz.